ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर,
बहरहाल कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात
और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब
अमीर पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम
हालात और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में
जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है,
तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है।
हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये तो
ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है,
सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि संघ 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये तो
ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है।
सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये तो
ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है,
सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये तो
ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है।
सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये तो
ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है,
सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं।
ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है।
सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये तो
ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है,
सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं।
ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मज़हब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है।
सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं।
तो ये तो ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पर कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम